जीवन की भागदौड़ में यह सबसे बड़ी राहत की तरह आती है। सब इसे जरूरी भी मानते हैं और इसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता। फिर भी नींद को जिंदगी का नायक नहीं माना जाता। हालांकि चैन की नींद वाला जीवन सबसे सुखी माना जाता है। हर रात सोने वाले के लिए मीठे सपनों वाली नींद की दुआ भी की जाती है। फिर नींद के बारे में नज़रिया अक्सर जो सोवत है सो खोवत है वाला ही होता है। दिन की सक्रियता को हम उत्पादकता और कर्म से जोड़कर देखते हैं। इसके बरक्स देखने पर अक्सर रात निठल्लेपन की तरह लगती है। जहां दिन का प्रकाश नायक हो और रात के अंधेरे को खलनायक की तरह ही पेश किया जाता हो, वहां जागने और सोने का नज़रिया भी अगर इसी सोच से निकलता है तो कोई आश्चर्य नहीं है। एक धारणा यह भी है कि पुराने दौर में जब रात को रोशन करने के तरीके उपलब्ध नहीं थे तो सक्रियता और आराम के लिए दिन व रात के इसी धारणा के इस्तेमाल की परंपरा शुरू की गई होगी। यह भी माना जाता है कि इंसान उन प्राणियों में आता है जिनका मुख्य सक्रियता काल सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच होता है। दिन भर की थकान के बाद हमारी मांसपेशियों को आराम देने के लिए नींद जरूरी है। यह तो हमेशा से ही माना जाता रहा है, लेकिन यह सोच भी अब बदल रही है। वैज्ञानिक अब इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि नींद सिर्फ आराम का मामला नहीं है, यह हमारे शरीर क्रिया विज्ञान का भी एक जरूरी हिस्सा है। यानी नींद का नदारद होना आराम में खलल ही नहीं डालता, बल्कि यह हमारे शरीर में भी केमिकल लोचा पैदा करता है। यह भी पाया गया है कि आज की बहुत सारी बीमारियां तभी शरीर पर काबिज होती हैं जब चैन की नींद अनुपस्थित होने लगती है। इस दिशा में लंबे समय से काम हो रहा है और अब बोस्टन विश्वविद्यालय की प्रयोगशाला में नींद पर दिन रात काम कर रही लॉरा लुइस और उनकी टीम ने उस पूरे रसायन शास्त्र को पकड़ने में सफलता हासिल की है जो हमारे शरीर में उस समय अपनी भूमिका निभाता है जब हम सो रहे होते हैं। इसके लिए उन्होंने बारी बारी से कई लोगों को एक रात ठीक से सोने नहीं दिया ताकि अगली रात उन्हें अच्छी नींद आए और अगली रात उन्हें MRI मशीन के भीतर सुलाया गया ताकि उनके मस्तिष्क में होने वाली हर हरकत को कंप्यूटर में दर्ज किया जा सके। इसके अलावा उनके सिर पर मस्तिष्क की तरंगों को पकड़ने के उपकरण भी लगाए गए। यह तो पहले से ही पता था कि जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारे मस्तिष्क में कुछ द्रव तेजी से प्रभावित होते हैं, लेकिन इस प्रयोग में यह पता लगा कि द्रव का यह प्रवाह मस्तिष्क से बीटा जैसे कई बाई प्रोडक्ट्स को साफ कर देता है। बीटा एमोलाइड को अल्जाइमर जैसे रोगों का मुख्य कारण माना जाता है। यह प्रवाह मस्तिष्क में
आने वाली रिक्तता को भी भरता है। यह प्रयोग बताता है कि नींद सिर्फ दिन भर की थकान से मुक्ति यानी आराम और नई फूर्ति पा लेने भर का मामला नहीं है। यह हमारे शरीर को कई रोगों से बचाने का रास्ता भी है।